हे दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह से कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि अनेबल टू वेरीफाई ऐप, आपने जो कोई भी ऐप टैक्स कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी उसे अनेबल टू वेरीफाई ऐप आ रहा है, या फिर आप में जो है एप्लीकेशन है वो फोर्स रिस्टार्ट हो रही है, यानी कि आप ओपन करते हो वैसे ही क्रैश हो जाती है, यानी कि ओपन करने के साथ ही तुरंत ही क्रैश हो जा रही है, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी इश्यू आप फेस कर रहे हो तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आसानी से आपके रिवॉक्ड ऐप को या फिर ऐसे अनेबल टू वेरीफाई ऐप को भी आप आसानी से मतलब यूज़ कर पाओगे, वापस से आप परफेक्टली ऐप को यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यहाँ पे हम आपके दो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। दो यानी कि जो आपके फ़ोन में अगर आपको ये जो ऐप कैक है उसमें आपको इस तरह से अनेबल टू वेरीफाई ऐप ये इस तरह से आपको एरर आ रही है उसे भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे, और साथ ही साथ अगर आपके फ़ोन में आप जैसे ऐप कैक को ओपन करते हो वैसे ही ये स्टार्ट होकर वापस से क्लोज हो जाता है, यानी कि फोर्स क्लोज हो जाता है। अगर ये दोनों ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, इनमें से कोई एक या फिर ये दोनों, तो हम इस वीडियो में आपको दोनों का सॉल्यूशन दे देंगे। तो आपको सिंपली उसके लिए आपके फ़ोन में क्या करना रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। आपको आपके फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपका जो कोई भी आपका जो डेटा है उसे आप चाहो तो iCloud पे बैकअप ले सकते हो, या तो फिर आपके पास PC या फिर लैपटॉप हो तो आप वहाँ पर आसानी से उस सभी डेटा को, आपका जो पर्सनल डेटा है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, व्हाटएवर आपके जो कोई डेटा है उससे को आपको बैकअप ले लेना है। आपके फ़ोन का सारा बैकअप जो आपने PC या फिर iCloud के ज़रिए ले लेने के बाद आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली जनरल में जाके उसे रीसेट इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स आपको इसे कर देना है। इससे आपका सभी जो भी आपका कंटेंट है, मतलब आपके फ़ोन का जो कोई भी डेटा है, वो सभी यहाँ से आपके फ़ोन से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम आपको फटाफट से आपको दे देते हैं इसका प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको आपके Apple ID के पासवर्ड को भी मतलब एंटर कर देना होगा, और उसके बाद आपको सिंपली उसे सारे डेटा को आपको इरेज कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पे ये होने प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी पूरी प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। तो उसके बाद आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसे नॉर्मली आप जिस तरह से सेट करते हो सेटअप, उसी तरह से सेटअप कर देना। हमने इसे भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो बैकअप लिया था उसे रिस्टोर करने के लिए पूछोगे। तो आपको अगर यहाँ पे आपको रिस्टोर कर देना है तो आप रिस्टोर कर सकते हो, या तो फिर इस स्टेप को स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी iCloud ID, Apple ID इंसर्ट कर देनी है, और उसके बाद आपके फ़ोन को कम्प्लीटली आपको स्टार्टअप कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा फ़ोन प्रॉपरली अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से ऐप कैक को अभी इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, आपको नॉर्मली आपके सफारी ब्राउज़र में, या तो फिर आपके फ़ोन में जो कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो अगर आपने रिस्टोर किया है तो उसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली टाइप कर देना है iphonecake.com, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऐप कैक का जो ऑप्शन है उसे आपको प्रेस कर देना है, और उसके बाद इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमारे फ़ोन में अभी यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए अभी ये हमारे फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जैसा कि अब हमारे ये ऐप कैक का आइकॉन शो हो रहा है, नॉर्मली आपको उसे टैप करके ओपन कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारी होम स्क्रीन पे ये ऐप कैक का आइकॉन आ चुका है। यहाँ पे आपको अनऑथराइज्ड एंटरप्राइज करके कुछ एक एरर आएगी, तो आपको नॉर्मली उसको आपको फिक्स करने के लिए आपके फ़ोन के सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको डिवाइस मैनेजमेंट में चले जाना है, एंड डिवाइस मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको कुछ हुला XYZ करके कुछ ऐसा कुछ करके आएगा, उसे आपको ट्रस्ट कर देना है। तो अभी आप जैसा उसे ओपन करते हो, बाद में उसे ट्रस्ट करने के बाद आपने
एपकैक को ट्रस्ट परमिशन देने के बाद, तो ये आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली अलाउ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे इसके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको पूछेगा, तो आपको उसे नॉर्मली यस या फिर नो आपके अकॉर्डिंग आपको करना है तो उसे कर देना है। उसके बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको प्रोफाइल डाउनलोड करेगा आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली, तो आपको अलाउ कर देना है। और उसके बाद जैसे ही ये हो जाती है उसके बाद आपको सिंपली उसे क्लोज कर देना है और वापस से आपको फ़ोन के सेटिंग में जनरल में डिवाइस मैनेजमेंट में चले जाना है। वहाँ पे आपको एपकैक का वेरिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर देना है आपके फ़ोन का जो पासवर्ड आपने सेट किया है उसको एंटर करके। तो जैसा कि यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि हमने यहाँ पे उसे सिंपली एंटर कर दिया है और अलाउ कर दिया है। तो अभी उसके बाद आपके फ़ोन में आपको डायरेक्टली पूछेगा कि आपको एपकैक पे लॉन्च करना है या नहीं, तो हमने यहाँ पे उसे ओके कर दिया था। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे फ़ोन में एपकैक परफेक्टली वर्क करने लगा है। अब यहाँ से आप आपकी फेवरेट जो कोई भी ऐप हो उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आपकी जितनी भी पेड ऐप होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और आप विदाउट जिल ब्रेकिंग यहाँ से आसानी से पेड एप्लीकेशन और गेम्स का मज़ा यहाँ से आप फ्री में ले पाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्विक्ट ऐप यानी कि जो फेसबुक प्लस प्लस, इंस्टाग्राम प्लस प्लस या फिर यूट्यूब प्लस प्लस, वैसी भी जो एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई प्लस प्लस, वो सारी ऐप्स को ऐप्स भी यहाँ पे देखने को, क्रैक एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम चलिए आपको आइस कुकिंग जो कि क्रैक एक एप्लीकेशन है उसे यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि ये हमारे फ़ोन में कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे रीसाइनिंग होगा और बाद में यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन के प्रो एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको नॉर्मली उसे इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ी देर में ये ऐप इंस्टॉल होके रेडी हो जाएगी ओपन करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे अभी इंस्टॉल पूरी तरह से हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये इंस्टॉल हो चुका है और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पोकेमॉन गो, ये एक स्पूफिंग का मतलब ये मोडेड गेम का वर्जन है जो कि आपको एपकैक पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि ये हमारे फ़ोन में कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप आपके फ़ोन में सारे ट्विक ऐप या फिर पेड एप्लीकेशन, पेड गेम्स का मज़ा बिना जिलब्रेक किए आसानी से ले पाओगे, वो भी बिना रिवोक्ड एप्लीकेशन हुए बिना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस प्रोसेस को फॉलो करने में वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उस पर प्रेस करके हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिया ताकि हमारे आने वाले नए फ्यूचर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अलर्ट मिलती रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारे ऐसे ही अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।